नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। आज हम बीपीएससी म्यूज़िक टीचिंग 2.0 के लिए टॉप 75 क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। बीपीएससी म्यूज़िक टीचिंग 2.0 के लिए मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस जो हैं वो बना रखी हैं, जिसके अंदर मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस और एक वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चेक कीजिए। ऑल्सो बीपीएससी म्यूज़िक 2.0 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो अभी जाके चेक कीजिए। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पाश्चात्य संगीत में दो स्वरों को तीन स्वरों के समय में गाने बजाने को क्या कहते हैं। तो ये वेस्टर्न म्यूज़िक से क्वेश्चन आया है। वेस्टर्न म्यूज़िक में मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया है, आप चेक कर सकते हैं। तो इधर ये लयकारी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें ये बोला है कि जब दो स्वरों को तीन स्वर के मात्रा में या तीन स्वरों के समय में गाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। तो उसको वेस्टर्न म्यूज़िक के अंदर बोलते हैं ड्यूप्लेट। ओके, 1908 में गंधर्व महाविद्यालय की शाखा कहाँ खोली गई, तो ये बम्बई में खोली गई। ठुमरी गायन विधा डैश राग में गाई जाती है, तो हम देखते हैं कौन कौन से राग हैं वो। भैरव में तो नहीं गाई जाती क्योंकि भैरव कहीं ना कहीं थोड़ा सा गंभीर राग है। ठुमरी का जो नेचर होता है वो आपको पता है, थोड़ा चंचल, इमोशन से भरा हुआ, भावपूर्ण ऐसा होता है। तो इस हिसाब से पहाड़ी जो है ये एकदम सही आंसर होगा। संगीत रत्नाकर में कुल कितने स्वरों का उल्लेख दिया गया है, तो उसके अंदर कुल 19 स्वरों का उल्लेख दिया हुआ है। अहिर भैरव राग दो रागांग के मिश्रण से बना है, तो अगर आपने रागों का डिस्क्रिप्शन पढ़ा है तो इसका आंसर आपको पता होगा। भैरव और काफी, इन दोनों के मिक्सचर से जो है अहिर भैरव बना है। पूर्वांग में भैरव है और वहीं उत्तरांग में काफी राग है। चतुरंग के अंतिम चरण में क्या होता है। चतुरंग से आप समझ रहे हैं कि ये एक म्यूज़िकल फॉर्म है, ठीक है, एक गायन शैली है जिसके अंदर चार अलग अलग चीज़ें गाई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है उन्होंने कि अंतिम चरण में क्या गाया जाता है, तो इसका आंसर है मृदंग के बोल जो हैं वो अंतिम चरण में गाए जाते हैं। राग देशकार किस थाट के अंतर्गत आता है। राग देशकार जो है वो बिलावल थाट के अंदर आता है और इसकी जाति जो है वो ऑडव है और इसका संप्रकृतिक राग आपको पता होगा वो है भूपाली, पर भूपाली का जो थाट है वो कल्याण है। निम्नलिखित में से ठुमरी के पूर्वकालीन प्रकार को चुनिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें, पूर्वकालीन पूछा गया है तो ठुमरी के अंदर सबसे पहले लखनऊ ठुमरी जो है वो पूर्वकालीन मानी जाती है, ठीक है। कौन सा सारिका युक्त वाद्य गज से बजता है। सारिका युक्त का मतलब है पर्दे वाला वाद्य, तो इसका आंसर है इसराज। प्रथम तबला वादक जिसे पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था, तो इसका आंसर है उस्ताद शंभू खान जी। अब इसमें बोला है कि भिन्न को चुनिए, मतलब हमें इसमें हमें अलग पेयर को चुनना है। तोड़ी और गुजरी तोड़ी, गोरख कल्याण, शुद्ध कल्याण, देवगिरी बिलावल, यमनी बिलावल, तो ये देखिए ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, पर गोरख कल्याण और शुद्ध कल्याण जो है वो अलग, दोनों कल्याण कल्याण है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेम थाट से हैं, ये अलग अलग थाट से हैं। तो जो इसमें सबसे अलग है वो है गोरख कल्याण और शुद्ध कल्याण। तार गहन शब्द निम्नलिखित में से किस वाद्य से संबंधित है। अगर आपने तानपुरे के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा ये तानपुरे से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सरोद वादक नहीं है, तो निखिल बैनर्जी जो है वो सरोद वादक नहीं है, ऑब्वियसली ये सितार बजाते हैं। अलाउद्दीन संगीत अकेडमी कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। ऐसे और भी जितनी अकेडमीज़ हैं इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये कब इस्टेब्लिश हुई, मतलब कब स्थापित हुई, किसने स्थापित की और इसके कितने ब्रांच हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। नट योग ऑन संतूर किसकी एल्बम है, तो ये एल्बम जो है वो भजन सपोरी जी की है जो एक संतूर वादक है। बिलास खानी तोड़ी का संप्रकृतिक राग कौन सा है, तो तोड़ी देख के आपको तोड़ी या इन दोनों में से ही यही ऑप्शन लगेगा, पर इसका राइट आंसर जो है वो है कोमल ऋषभ असावरी,
थाट्स का, बिलास खानी तोड़ी का तोड़ी थाट से लेना देना नहीं है। बिस्मिल्ला खान को किस वर्ष भारत रत्न मिला? तो इनको 2001 में भारत रत्न मिला है। योगेश सामसी संगीत के किस विधा से संबंधित है? तो आपको पता होगा ये तबला से संबंध रखते हैं और एक बहुत ही कुशल तबला वादक हैं। गौड़ सारंग राग का चलन किस प्रकार है? तो देखिए मीन प्रदान नहीं है, इसका जो चलन है वो वक्र है और ये राग जो है कल्याण थाट का राग है जो कि दिन में गाया जाता है। तो राइट आंसर इज वक्र। संगीत नाटक अकेडमी का कथक केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो दिल्ली में स्थित है। ध्रुपद केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई? ध्रुपद केंद्र की स्थापना जो थी वो 1980 में की गई। कहाँ पे की गई? भोपाल में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से समपदी ताल कौन सी नहीं है? अगर आपने मेरा ताल वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि समपदी ताल होती क्या है। ठीक है, उस वीडियो में मैंने बहुत सारी तालों के बारे में बताया है और विषमपदी ताल, समपदी ताल, अर्धसमपदी ताल, इन सब के बारे में बताया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ अभी जाके चेक कीजिए। तो इनमें से जो समपदी ताल नहीं है वो कौन सी है? रूपक, क्योंकि इन तीनों ताल में, मतलब तीन ताल में, एक ताल में और सूल ताल में बराबर बराबर मात्रा के विभाग होते हैं, पर रूपक में ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये समपदी ताल नहीं है। यति शिखर ताल के कितने खाली हैं? तो आपको पता होगा कि यति शिखर ताल में खाली का विभाग है ही नहीं, तो इसका आंसर है बी। वाचिक आंगिंग का संबंध किससे है? तो ये देखिए भाव से क्वेश्चन आया हुआ है और इसका राइट आंसर है अनुभाव। रस और भाव से रिलेटेड एक मैंने डिटेल पीडीएफ जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे ऐड किया हुआ है। अगर आपने वो चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके चेक कीजिए। इसमें से कौन सा रस भरत ने नहीं दिया है? तो इसमें से वात्सल्य रस जो है वो भरत ने नहीं दिया, ऐसे ही शांत रस भी जो है वो भरत ने नहीं दिया है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम बिलावल थाट को शुद्ध थाट स्वीकार किया गया था? तो ये बहुत ईजी है और बहुत बारी ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसका आंसर है नगमाते आसफी। दक्षिण सावेरी राग को उत्तर में किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण सावेरी राग को हमारे उत्तर हिंदुस्तानी संगीत में जोगिया के नाम से जाना जाता है। मुल्तानी राग का समय क्या है? तो अगर आपको पता होगा मुल्तानी राग का समय जो है वो दिन का अंतिम प्रहर है, पर दिन का अंतिम प्रहर है तो आपको दिन पे टिक नहीं करना है, अंतिम प्रहर है मतलब दिन खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट, तो इसका आंसर है शाम। झिंझोटी राग का समय क्या है? झिंझोटी राग जो है वो एक खमाज थाट का राग है और आपको ये पता होगा कि खमाज थाट के ऑलमोस्ट जितने राग हैं वो सारे राग रात में ही गाए जाते हैं और वो भी रात के दूसरे प्रहर में, तो इसका आंसर जो है वो है रात्रि का दूसरा प्रहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसीद खानी गत के सही बोल चुनिए। तो हमें इसमें मसीद खानी गत के सही बोल चुनने हैं। मसीद खानी गत के जो सही बोल हैं वो हैं दिर दा रा दा दा रा। अब देखिए ये मैच द फॉलोइंग करके एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता होगा कलिंगड़ा जो राग है वो भैरव थाट का राग है, तो हम अगर एक भी हमें मिल गया है तो हम ज़रा अभी मैच करके देखते हैं कि बी का फोर कहाँ दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये सही आंसर है। तो एक आंसर ऑब्वियसली पूर्या कल्याण का थाट है मारवा, कलिंगड़ा का है भैरव, पूर्या धनाश्री का है पूर्वी और रामदासी बनार का है काफी थाट। ओके, प म प ग म ध स्वरावली में पंचम को षडज मानने पर किस राग का स्वरूप प्राप्त होगा? तो देखिए ऑप्शन में हमीर लिखा है, पर अगर आप इस स्वरावली को ध्यान से देखेंगे तो ये स्वरावली जो है वो राग हमीर की ही है, तो हमीर जो है ये ऑप्शन तो नहीं होगा। और ये मूर्छना का क्वेश्चन है, उस हिसाब से अगर इसका आंसर देखा जाए तो वो होगा जय जय बंती। अब ये देखिए फिर से मैच द फॉलोइंग है, तो हम इसको एक बारी सॉल्व करते हैं। आप सबको पता होगा मतंग जी ने ही राग का स्वर्व प्रथम उल्लेख किया था, तो ये बी का आंसर जो है वो है वन, तो ये आंसर हमारा सही है। ठीक है, सेकंड आंसर हमारा सही है।
मेल पद्विति के जो प्रवर्तक थे वो विद्या रणय जी थे, और मतंग ने ही राग का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। अहोबल जी ने वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना की थी, और आपको पता होगा मतंग ने सर्वप्रथम वीणा पर परते लगाए थे, ये आपको पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप अपने नोट्स में ज़रूर ऐड कीजिए। और वहीं भातखंडे जी जो थे उन्होंने बिलावल को शुद्ध थाट की मान्यता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भातखंडे के अनुसार वह कौन सा स्वर है जो कि वर्तमान संगीत में वादी के रूप में दिखाई नहीं देता है। तो देखिए रे तो है, नी, हाँ नी जो है हमारा वादी के रूप में आपको कहीं कोई भी राग में देखने को नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी रहा है तो भातखंडे जी के अनुसार सही नहीं है। प्रारंभिक चरण में वैदिक मंत्रोच्चारण के लिए किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता होगा वो है उद्दात, अनुदात और स्वरित, तो ये सही आंसर है। पाश्चात्य संगीत की सिंपल क्वाड्रपलेट ताल किस हिंदुस्तानी ताल के समान है, तो वो तीन ताल के समान है, ठीक है। वैदिक कालीन उत्सव संगीत क्या है, तो सोहर तो ऑब्वियसली एक प्रकार का लोक संगीत है, भोजपुरी लोक संगीत है, तो ये तो नहीं है। तो समन जो है वो वैदिक कालीन का एक उत्सव संगीत है, ओके। गुप्ता काल का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, तो नाट्यशास्त्र जो है वो नाग काल का माना जाता है, और बृहदेशी ग्रंथ जो है वो गुप्ता काल का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। जाफर खानी बाज किसके द्वारा संस्थापित किया गया है, तो आपको पता होगा अब्दुल हलीम जी ने जाफर खानी बाज को स्थापित किया था। हिंदुस्तानी संगीत में राग सर्पदा की रचना किसने की है, तो देखिए इसका आंसर है ये अलाउद्दीन खान नहीं है, यहाँ पे अमीर खुसरो जी है, तो इसका आंसर जो है वो है अमीर खुसरो, ओके। निम्नलिखित में से कौन से कलाकार का पूरब अंग ठुमरी गायन से संबंध नहीं है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस। ऑब्वियसली बड़े गुलाम अली खान जी का पूरब अंग ठुमरी से नहीं है, क्योंकि इनका संबंध जो है वो पंजाब अंग की ठुमरी से है, तो ये हमारा सही आंसर है। विकृत स्वरों के घटते क्रम में रागों का सही क्रम चुनिए। अब देखिए घटते क्रम की बात यहाँ हो रही है, तो सबसे जिस राग में सबसे कम विकृत स्वर लगेंगे वो सबसे एंड में आएगा, तो इधर आप देखेंगे तो आभोगी एक ऐसा राग है जिसके अंदर सबसे कम विकृत स्वर रखते हैं, तो उस हिसाब से ए आप सबसे लास्ट में देखिए कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे है, तो ये सही आंसर है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस का जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपने रागों के बारे में डिटेल में पढ़ा है, इसीलिए आप प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि रागों के बारे में पढ़ने में आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और उसको सिर्फ ऊपर ऊपर से ना पढ़े, उसके हर मुख्य संगति, उसमें कितने अंग प्रयोग हो रहे हैं, इस प्रकार से भी अपनी पढ़ाई करें। पंडित बड़े रामदास किस शैली के गायक हैं, टप्पा के तो नहीं हैं, ध्रुपद के भी नहीं हैं, ख्याल के ये गायक हैं। बनारस तबला घराना के प्रथम तबला वादक किसे माना जाता है, तो तबला घराने से भी एक अच्छा वीडियो मैंने बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके चेक कीजिए। तो बनारस तबला घराने के प्रथम तबला वादक जो हैं वो कौन है, पंडित राम सहाय जी। बसंत ताल में कितने विभाग हैं, देखिए बसंत ताल जो है वो 9 मात्रा की ताल है, और इस ताल के विभाग भी जो हैं वो कितने हैं, 9 है, ठीक है। अदा रंग का वास्तविक नाम क्या था, तो अदा रंग का जो वास्तविक नाम है वो है फिरोज खान, और ये नियामत खान किसका है, सदा रंग जी का है, ठीक है। निम्नलिखित में से अर्ध संपत ताल को चुनिए, अब देखिए अर्ध संपत ताल कौन सी है हमें ये बताना है। आपको पता अभी जैसे हमने पीछे क्वेश्चन ये किया था संपत ताल का, तो मैंने आपको बताया था जिसमें बराबर बराबर विभाग होते हैं वो कौन से ताल कहलाते हैं, संपत ताल कहलाते हैं। तो अगर आपको बाई चांस नहीं पता कि अर्ध संपत ताल क्या है, तो एक तरीका आप ये भी देख सकते हैं कि संपत ताल पहले देख लीजिए, जैसे एक ताल जो है वो संपत ताल है, ठीक है। दादरा भी संपत है क्योंकि इसमें भी तीन तीन मात्रा का दो विभाग है, तो बी और सी तो नहीं होगा, तो बी देखिए यहाँ है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो देखिए आपको आंसर मिल गया, और इसका आंसर है ए और डी।
ग्रैंड स्टाफ में कितनी रेखाएं हैं? अब ये जो है वेस्टर्न नोटेशन सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ है, इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। उसके अंदर मैंने ये बताया हुआ है कि ग्रैंड स्टाफ के अंदर रेखाएं जो हैं वो 11 हैं। पहले स्टाफ था तो उसके अंदर 5-6 ही थी, पर जैसे ही ग्रैंड स्टाफ हुआ उसमें रेखाएं बढ़ गई और कितनी हो गई, 11 हो गई। चीफ पद्वती में स्वरों को दर्शाने के लिए क्या चिन्ह है? तो आपको पता होगा चीफ पद्वती का जो रिलेशन है वो वेस्टर्न नोटेशन सिस्टम से है, ठीक है, और इसका जो रिलेशन है वो मैथमेटिक्स से भी है। तो नंबर जो है राइट आंसर होना चाहिए, तो ये सही आंसर है। तिलक शाम का निर्माण किसने किया? तो देखिए तिलक शाम का निर्माण जो है वो रविशंकर जी ने किया। ललित कलाएँ कितनी मानी गई हैं? ललित कलाएँ कितनी मानी गई हैं? तो वो 5 मानी गई हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि उनके नाम क्या है। कजरी गीत शैली किस प्रदेश की है? तो ये उत्तर प्रदेश की है। नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के वृंद बताए गए हैं? तो आपने मेरा वाद्य वृंद वाला अगर वीडियो नहीं देखा है आप उधर देखिए, मैंने उसमें बताया है कि उसमें 3 इन्होंने वृंद के प्रकार बताए हैं। कौन सी ताल ठुमरी गायन में प्रयुक्त होती है? तो देखिए जो जत ताल है ना वो ठुमरी गायन में प्रयोग होती है। अब पूछा है इनमें पूर्वी थाट के अंतर्गत राग कौन से हैं? देखिए पूर्य कल्याण जो है वो मारवा थाट का राग है, श्री जो है और सोहनी भी इवन मारवा का है, तो हम एलिमिनेट करेंगे 3 और 4 को, तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो उस हिसाब से श्री और परज जो हमारा है वो श्री और परज जो है वो पूर्वी थाट के राग हैं। इनमें दिन के तृतीय पहर में प्रस्तुत किए जाने वाले राग के बारे में हमें बताना है। देखिए पटदीप जो है वो दिन के तृतीय पहर में तो बिल्कुल गाया जाता है, तो हम देखते हैं 3 कहाँ है, एक इधर है और इधर है, मतलब ये और ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। वहीं आपको पता होगा कि चंद्रकौंस जो राग है वो कौन से थाट का राग है? भैरवी थाट का राग है, ठीक है, भैरवी थाट का राग है और इसका जो गायन समय है वो रात का है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, तो 1 भी हम एलिमिनेट करेंगे, तो प्रदीप और मुल्तानी जो है वो दिन के तृतीय पहर में गाए जाने वाले राग हैं, तो सी इज़ दी राइट आंसर। माई म्यूज़िक माई लाइफ के लेखक, अब ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही रिपीटेड है, तो आप इसको अच्छे से करिए और इसका आंसर है रविशंकर जी। किस भारतीय संगीत के कलाकार को भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है? तो भारत रत्न जो है वो आपको पता होगा भीमसेन जोशी जी को मिला है। रावण हत्ता किस प्रदेश का लोकवाद्य है? तो रावण हत्ता जो है वो राजस्थान का एक तत् लोकवाद्य है। निम्नलिखित तालों को मात्राओं के उतरते क्रम के अनुसार सही क्रम में चुनिए। उतरते क्रम की बात हो रही है तो सबसे एंड में क्या आएगा, सबसे कम वाला, जो जिसमें सबसे कम मात्रा है वो ताल आएगी। तो देखिए जत ताल जो है वो 16 मात्रा की है, दीप चंदी जो है वो 14 की है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर इधर देखते हैं जत ताल 16 की है, गज झंपा 15, दीप चंदी 14 और खेमटा जो है वो 12 या 6 मात्रा की है, तो ये आंसर जो है हमारा सही है। आकार मात्रिक स्वर लिपि प्रणाली को किसने आरंभ किया? इसको ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर जी ने आरंभ किया। इनमें से अवनद्य वाद्य कौन सा है? देखिए एक तारा तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ये तार वाद्य है, ये एक घन वाद्य है, ये भी एक घन वाद्य है, तो ये आंसर हमारा सही है। वाद्य भांड जो है वो एक अवनद्य वाद्य है। महाराणा कुंभ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए इन महाराणा कुंभ जी ने जो ग्रंथ लिखा था, एक तो संगीत राज है, पर देखिए इसमें तो उसके बारे में कहीं लिखा ही नहीं है, तो मतलब इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे होंगे, तो ये जो है क्रम दीपिका जो है वो महाराणा कुंभ जी ने लिखा था। अब ये पूछा है कि ये किसके भाग हैं? अगर आपने निबद्ध और अनिबद्ध गान पढ़ा है तो आपको पता होगा कि रूपक अलाप के ये भाग हैं। औरंगजेब काल में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो भाव भट्ट जी का जो ग्रंथ था वो औरंगजेब काल में लिखा गया था, तो देखिए इसमें से कौन सा है, अनूप विलास जो है वो भाव भट्ट जी ने लिखा है, तो औरंगजेब काल में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, अनूप विलास। किस काल में द्रुपद की प्रधानता रही?
तानसेन का जो काल रहा, आपको पता होगा कि वो मुगल काल था, और उसी टाइम पे तानसेन ने ही, ऐसा बोला जाता है कि, ध्रुपद को बहुत प्रचलित किया। तो इस हिसाब से इसका आंसर है मुगल काल। मुगल काल में ध्रुपद की प्रधानता जो थी वो ज़्यादा रही थी। भरत ने कौन से अध्याय में घन वाद्य का उल्लेख किया है? तो भरत ने जो घन वाद्य का उल्लेख है वो चैप्टर नंबर 31 में किया है। निम्नलिखित में से क्या लंघन मूलक अल्पत्व का उदाहरण है? देखिए, लंघन मूलक अल्पत्व, पहले तो आप समझिए, अल्पत्व का मतलब है सबसे कम, ठीक है, मतलब अल्प मात्रा में, और लंघन मतलब लांघने वाला। तो जैसे आपको पता होगा, बिहाग का जो आरोह है वो नीसा ग जाता है, तो उसमें हम ऑब्वियसली रे को लांग रहे हैं, तो ये आंसर जो है हमारा सही आंसर है। आरोह में बिहाग का ऋषभ जो है वो लंघन मूलक अल्पत्व का उदाहरण है। पंडित सोमनाथ ने कितने स्वर दिए हैं? तो पंडित सोमनाथ जी ने 22 स्वर जो है वो दिए हैं। उत्तर भारतीय संगीत का भूपाली राग दक्षिण पद्धति में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है मोहनम। निम्नलिखित में से कौन सा राग संधि प्रकाश राग नहीं है? तो भैरव जो है वो संधि प्रकाश राग है, क्योंकि इसमें रे धा कोमल है और गा जो है वो शुद्ध है। यमन हमारा जो है संधि प्रकाश राग नहीं है, तो हमें हमारा आंसर मिल गया है। इनमें से किस राग में कोमल नी का प्रयोग नहीं होता है? तो चलिए देखते हैं, ऑब्वियसली इन तीनों में होता है, गुनकली में तो नी कहीं है ही नहीं, तो इसका आंसर है गुनकली। डोवर लेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो देखिए, समारोह से रिलेटेड है ये जो क्वेश्चन आया है, ये समारोह से रिलेटेड है, तो ये कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया जाता है। मार्ग ताले कितनी हैं? मार्ग ताले जो हैं वो 5 हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट और मेरा तरीका अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये कुछ दिन जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मेरा जो चैनल है वो इन दिनों काफ़ी एक्टिव है, और मैं रोज़ कॉन्टेंट जो है वो पोस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप कोई भी कॉन्टेंट मिस ना करें, इसके लिए आप अपना नोटिफिकेशन बेल आइकॉन जो है वो भी ऑन करके रखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।